गैलीलियो यूरोपियन नवजागरण के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, और ये बात सच है कि आधुनिक विज्ञान के आधार में जो चीज़ है वो यूरोपियन नवजागरण है। यूरोपीय विज्ञान की जो परंपरा थी वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैली, और पर यह भी सच है कि उसके बहुत पहले जो भारतीय विज्ञान और ज्ञान विज्ञान की परंपरा थी वो अरेबियन देशों से होते हुए यूरोप में पहुंची थी। लेकिन ये जो 16वीं 17वीं शताब्दी के डेवलपमेंट्स हैं उसमें गैलीलियो एक नायक की तरह उभरते हैं। उनके टेलीस्कोप को एक बहुत ही क्रांतिकारी उपकरण के रूप में देखा गया, जिसने हमारे पूरे ब्रह्मांड को खोल दिया, और कहते हैं कि उसने ईश्वर को अपदस्त कर दिया। ये अनुवाद मैंने ही किया है, और मूल नाटक बर्तोल्ड ब्रेक्ट का है। ब्रेक्ट, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जर्मनी के बहुत बड़े नाटककार थे, उन्हें एक जीवन का लंबा समय निर्वासन में गुजारना पड़ा, और उन्होंने बहुत सारे नए विषयों पर नाटक लिखे। तो गैलीलियो नाटक में उन्होंने इस बात को स्थापित करने की कोशिश की है कि कैसे विज्ञान की खोजें मानव जीवन को परिवर्तित करती हैं, और कैसे वैज्ञानिकों को भी एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हैं कि आज अगर कोई ये कहे कि धरती सूरज के आसपास घूमती है तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा? लेकिन ऐसा ही हुआ था। ब्रेक बताते हैं कि गैलीलियो के पहले ब्रूनो ने ये बात कही थी, और ब्रूनो को चौराहे पर जिंदा जला दिया गया था। तो वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को बहुत सारी प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ती हैं। स्वयं गैलीलियो को बहुत बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। कहते तो ये हैं कि गैलीलियो को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन क्योंकि जज उनका शिष्य था तो उसने कहा कि भाई इनको फांसी मत दो, इनको नज़रबंद कर दो, ये तो हथियार दिखाओ तो वैसे ही डर जाएंगे, तो ये अपना काम बंद कर देंगे। लेकिन गैलीलियो ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक अपना काम बंद नहीं किया। उन्होंने नज़रबंदी के दौरान एक नई किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। सेग्रेडो, टेलीस्कोप में देख के बताओ कि क्या देख पा रहे हो। चंद्रमा की सतह बहुत उबड़ खाबड़ दिखाई दे रही है। उसके अंधेरे वाले हिस्से में चमकदार किनारों के पास कुछ चमकदार धब्बे हैं। वे एक दूसरे से सटे हुए हैं। उन पर रोशनी बिखर कर चारों तरफ फैल रही है, और फिर वह पूरे चमकदार हिस्से से जाकर मिल जाती है। उन चमकदार धब्बों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए। मगर वे वहां हैं। वे पहाड़, बड़े बड़े विशाल पहाड़। एक तारे पर पहाड़? हाँ, भीम का पहाड़, पर्वत। वहां एक से ज्यादा कई कई सूर्य हैं। गैलीलियो, गैलीलियो, शांत हो जाओ, तुम बहुत तेजी से सोच रहे हो। सेग्रेडो, ये चुप बैठने का वक्त नहीं है। जो तुमने अभी अभी देखा है वो किसी ने पहले नहीं देखा। वे लोग ठीक कहते थे। कौन? कोपरनिकस और उनके साथी? हाँ, कोपरनिकस और वे सभी लोग। शांत हो जाओ गैलीलियो, शांत हो जाओ। उत्तेजित हो जाओ सेग्रेडो, उत्तेजित हो जाओ। सच आज खोज दिया गया है। तुम ये पागलों की तरह चिल्लाना बंद करोगे या नहीं? और क्या तुम अपनी जगह पर मछली की तरह खड़े खड़े हिलते रहोगे तब, जबकि सच अभी अभी खोज दिया गया है? मैं मछली की तरह नहीं हिल रहा हूँ, मैं डर के मारे कांप रहा हूँ। क्यों गैलीलियो, तुम्हारी बुद्धि क्या पूरी तरह नष्ट हो गई है? क्या तुम बिल्कुल नहीं समझते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो इसका अर्थ है धरती अन्य तारों की तरह सिर्फ एक तारा है, ब्रह्मांड का केंद्र नहीं। निश्चित ही, और इस विशाल ब्रह्मांड में अन्य तारे और ग्रह और उपग्रह हमारी छोटी सी धरती के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाते। तो इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ ग्रह और तारे हैं, तो ईश्वर कहाँ है? कहते हैं विश्वास पुराने ना बदलेंगे हम, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ना बदलेंगे हम। कहती है हर बात नहीं, तुम दूर हटो, अब आते हैं हम, ना बदलेंगे हम। अड़े रहे विश्वास पुराने, नहीं हटेंगे हम, ना बदलेंगे हम,
ना बदलेंगे हम, ना बदलेंगे हम। क्या मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। लोग हर बात पर यकीन कर रहे हैं, अब कल को कहेंगे मुझे यानी प्रीलेट को खाना अच्छा नहीं लगता। अब तो इससे भी ज्यादा हैरत की बात हो रही है महाशय। मुझे पता है लोग दानवों और देवताओं पर यकीन नहीं करते, लेकिन इस बात पर कर रहे हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जैसे धरती न हुई, नाली में बड़ा पत्थर का टुकड़ा हो गई। अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, अरे कोई मुझे संभालो भैया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। धरती कुछ ज्यादा ही तेज घूम रही है। अरे भैया कोई संभालो, प्रोफेसर मुझे संभालो, कहीं मैं गिर ना पड़ू। लगता है आज हमारी धरती माता ने कुछ ज्यादा ही पी ली है। आस्था और विश्वास पर जब उंगली उठती है तो वो उंगली तोड़ दी जाती है। विश्व के इस महान वैज्ञानिक पर अंततः मुकदमा चलाया गया और अदालत ने हुक्म सुना दिया, गैलीलियो को उसके घर में नजरबंद रखा जाए, उसके सभी कामों को रोक दिया जाए। गैलीलियो अपने ही घर में कैद हो गए, ना उनसे कोई मिल सकता था ना वो किसी से। साजिश पर साजिश, तूफान को मुट्ठी में बंद करने की साजिश, रोशनी को अंधेरे में दफन करने की साजिश, लेकिन कभी ज्ञान को बंदी बनाया जा सकता है? झूठी दलीलें दे दे के मुकदमा चलाया, धर्म के खिलाफ उसके काम को बताया, गैलीलियो को कैद किया, जुल्म ढाया, पाखंडियों ने मिलके गला सत्य का दबाया। ज्ञान का पंछी कसमसाए छटपटाए, हाय कहानी कैसे कही। ठहरो एंड्रिया, जाने से पहले मेरी एक दो बातें और सुनते जाओ। इस बीच मेरे पास बहुत वक्त रहा है और मैंने विज्ञान के बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ सोचा है। मुझे लगता है विज्ञान के क्षेत्र में काम करना बहुत हिम्मत का काम है। उसका संबंध ज्ञान से है, जो शंका करने से, प्रश्न उठाने से ही प्राप्त हो सकता है। विज्ञान जब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और वो उन्हें लोगों तक पहुंचाता है, तो वो एक काम और करता है, लोगों को प्रश्न उठाने के लिए तैयार करता है। आज जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजाओं, राजकुमारों, जमींदारों और साधुओं द्वारा अंधविश्वासों तथा ज्ञान में जकड़ दिया गया है और वे उन चालाक लोगों की चालाकियां समझ नहीं पाते। लोगों के दुख पहाड़ों की तरह भारी हैं और कहा जाता है वे पहाड़ों की तरह ही स्थायी रहेंगे। प्रश्न खड़ा कर सकने वाले हमारे नए उपकरण टेलीस्कोप ने जनता के हाथ में एक नया औजार दे दिया। उसने उसे अपने शोषकों की ओर मोड़ दिया और वे स्वार्थी, क्रूर तथा हिंसक लोग जो विज्ञान की तमाम उपलब्धियों का उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं, विज्ञान की इस उपलब्धि से डर गए। वे डर गए एंड्रिया, उन्हें लगा कि जनता शायद अब देख ना ले कि उनके दुख के स्रोत कहां हैं, और फिर उन्हें समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। वे डर गए, तब उन्होंने हमें धमकियों से, हमें रिश्वत से झुकाने की कोशिश की।
विज्ञान नाटक की एक खासियत होती है, वो ये है कि वो विज्ञान और समाज की जो इंटरसेक्टिंग डोमेन है उसके भीतर काम करता है। और ऐसे बहुत सारे विज्ञान नाटक हम लोगों ने तैयार किए थे। दोस्तों, हमारे जीवन में आज हम शायद महसूस न कर पाएँ, लेकिन टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दो ऐसे उपकरण रहे हैं जिन्होंने कि पूरे विज्ञान की दिशा बदल दी। जहाँ टेलीस्कोप ने हमें ब्रह्मांड के दर्शन कराए, वहीं माइक्रोस्कोप ने हमें सूक्ष्म के दर्शन कराए, और वो बैक्टीरिया, वायरस और रोगों के बारे में और रोगों की पहचान के बारे में आगे चलकर बहुत उपयोगी साबित हुआ। तो विज्ञान कुछ इसी तरह आगे बढ़ता है। आज हमें जो फ़ायदे देखने मिलते हैं वो उस समय के समाज नहीं देख पाता। तो गैलीलियो को भी ये बहुत ही उत्तम आविष्कार के बावजूद प्रताड़ना झेलनी पड़ी। आज हमारा समाज जैसा दिखता है, हमारी जैसी जीवन शैली है, जितने आराम से हम अपना जीवन गुजार पाते हैं, धरती जैसी दिखती है, इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिकों का, गणितज्ञों का, रसायन शास्त्रियों का काम है। उन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन लगा दिया हमारे जीवन को सफल करने के लिए या उसे आरामदायक बनाने के लिए। तो हमें उन सब वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए, उनके काम को आगे बढ़ाने का प्रण करना चाहिए, और ऐसा भी कि उसमें थोड़ी आत्मा बची रहे, उसमें थोड़ा साहित्य, संगीत और कला भी बची रहे।